हे गाइस, नमस्ते, कैम छो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीबी ब्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया ही होंगे। आज हम लोग फिर से आ चुके हैं कैप्टन मोटो। तो आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं स्क्रैम्बलर का। तो आप समझ सकते हो कि अगर आपको फुल्ली एडवेंचर बाइक में नहीं जाना है तो आपके पास एक और ऑप्शन है यहाँ पे SD में ही। तो SD का एक और बाइक हमारे पास अवेलेबल है, तो आपको उसका भी मैं रिव्यू करके दिखाता हूँ। साथ में हम लोग टेस्ट राइड भी लेने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपके सामने है SD स्क्रैम्बलर। आप देख सकते हो कि बाइक काफ़ी खूबसूरत है यहाँ पे लग रहा है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको यहाँ पे सेंटर में नहीं, इस तरफ आपको थोड़ा शिफ्ट किया हुआ मिलेगा। तो बहुत ही सारी मल्टीपल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में से देख सकते हो। यहाँ पे न्यूट्रल का, यहाँ पे साइड लाइट इंडिकेशन, और भी सारे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिखेगी आपको, जैसे कि लो फ्यूल नोटिफिकेशन है, यहाँ पे ABS का है, यहाँ पे हीटिंग का है। तो बहुत सारी मल्टीपल इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। और साथ में यहाँ पे आपको स्पीड, यहाँ पे आपको डिजिटली दिखाएगा, यहाँ पे आपको RPM दिखाएगा, यहाँ पे गियर नोटिफिकेशन है, यहाँ पर आपको फ्यूल जो होगा वो आपको यहाँ पे डिजिटली दिखाएगा, यहाँ पे टाइम, यहाँ पे मोड्स भी आपको दिखाने वाला है। तो ये बाइक आपको 3 राइडिंग मोड के साथ मिलने वाली है, रेन, ऑफ रोड और रोड मोड के साथ आपको तीनों के तीन मिलने वाला है। तो जो हैंडल बार है वो आपको SD के जो एडवेंचर वाला बाइक है उसी तरह का आपको इसमें भी देखने को मिलने वाला है। तो इस तरफ के अगर मैं हैंडल बार की बात करूँ, यहीं से आप अपना पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑपरेट कर सकते हो, यहीं से मोड चेंज कर सकते हो, यहीं से सेट करना है, और यहीं से आप पासिंग का लाइट है वो कर सकते हो, यहाँ से आप अपना साइड लाइट टर्न इंडिकेशन है, यहाँ पे हॉर्न का स्विच देखने को मिलेगा। और इस तरफ के हैंडल बार की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको हैजार्ड लैंप का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट का बटन, और यहाँ पर आपको एक इंजन किल स्विच का ऑप्शन मिलेगा। तो जो क्वालिटी है यहाँ पे अब देखिए, जो लीवर्स है उसका क्वालिटी, इस पर जो ग्रिपिंग वगैरह दिया हुआ है उसका भी जो क्वालिटी है ना वो बहुत ही अच्छा मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो लीवर्स है उसका भी क्वालिटी अच्छा है, और जो एंड बार दिया हुआ है उसका भी क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका लाजवाब है। एक बार मैं आपको फ्यूल टैंक किस तरह से ओपन होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह से आपको यहाँ से चाबी जाएगा अंदर और इस तरह से इसका ओपन होगा, तो पूरा का पूरा ये निकल जा रहा है, तो इस तरह का है। लेकिन ये मुझे थोड़ा पसंद नहीं है क्योंकि पूरा निकल जाता है फिर लगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है। तो ये थोड़ा ऐसे ओपनेबल हो। तो यहीं से आपको चार्जिंग का भी ऑप्शन मिल जाएगा, ये एक्स्ट्रा एक्सेसरी में रहेगा। अगर आपको ये चार्जिंग का लगवाना है तो आप कंपनी से लगवा सकते हो, लेकिन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ऐसे दिखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आपको आफ्टर मार्केट से लगवाने का ज़रूरत नहीं रहेगा बिल्कुल भी, बहुत ही परफेक्ट है। और ये हमारे पास ड्यूल टोन में कलर में है, वाइट एंड रेड में। तो यहाँ पर आपको SD लिखा हुआ मिलेगा, और यहाँ पे थाई सपोर्ट के लिए भी काफ़ी अच्छा ग्रिपिंग मुझे देखने को मिल रहा है। तो फ्यूल टैंक है उसका जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है, और साथ में जो कलर है, जो कलर का क्वालिटी है, जो पेंट का क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छा मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अभी इस पे से मैं उतर जाता हूँ बाइक से। तो अब देखिए साइड लुक देखिए आपका। तो ये जो बाइक होती है वो मतलब कि सिटी राइड के लिए भी आपको पसंद आएगी, और ऑफ रोडिंग करने के लिए भी आप इसको ले जा सकते हो। उसी तरह का डिज़ाइन देखने को मिलेगा। अगर आपको 100% ऑफ रोडिंग वाली बाइक चाहिए तो 100% ऑफ रोडिंग के लिए आप ये एडवेंचर ले सकते हो। अगर आपको सेमी एडवेंचर में जाना है तो ये स्क्रैम्बलर ले सकते हो। तो दोनों ऑप्शन आपके साथ अवेलेबल हो जाएंगी। तो अभी शुरुआत करते हैं फ्रंट से। तो फ्रंट पर आपको ये वाला जो वाइज़र है ये आपको अलग से डलवाना पड़ेगा, ये आपको एक्स्ट्रा एक्सेसरी में रहेगा, बाकी सीधा नेकेड बाइक ही मिलने वाला है। और यहाँ पे देखिए जो फ्रंट हेडलैम्प है वो आपको पूरा LED में ही देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे साइड लाइट टर्न इंडिकेशन वो भी LED में है, तो सब कुछ LED में है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको आगे के टायर में देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर एक आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिलेगा, और जो डिस्क है उसका डायामीटर काफ़ी बड़ा है डिस्क ब्रेक का, तो ब्रेकिंग एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। और यहाँ पे ABS का ऑप्शन है, तो स्विचेबल ABS रहेगा, आपको 3 राइडिंग मोड के साथ आ रहा है। तो अगर आप ऑफ रोडिंग करते हो तो ABS अपने आप ऑफ हो जाएगा, उसी तरह का पूरा सिस्टम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये वाली बाइक में आपको MRF के टायर्स देखने को मिलेंगे। तो जो आगे का टायर है वो आपको 19 इंच का देखने को मिलने वाला है। तो टायर का जो विड्थ है ना वो भी काफ़ी अच्छा है, आगे का टायर है उसका भी विड्थ काफ़ी बड़ा है, तो आपको चलाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो ये स्पोक व्हील के साथ ही आपको अवेलेबल होगा बाइक। तो यहाँ पे चलते हुए तो इंजन, तो आपको इंजन इसमें वही सेम मिलने वाला है, सिंगल सिलेंडर 334, मतलब कि 334 CC का आपको इसमें इंजन देखने को मिलने वाला है। तो इंजन के पावर आउटपुट फिगर की अगर मैं बात करूँ तो आपको 29.10 PS का मैक्सिमम पावर मिलने वाला है, और मैक्सिमम टॉर्क आपको इसमें 28.20 का मिलने वाला है।
तो इसमें भी टॉर्क आउटपुट फिगर काफ़ी अच्छी है, लेकिन जो एडवेंचर है उससे थोड़ा कम है इसमें, क्योंकि इसमें थोड़ा डिज़ाइन और जो है वो काफ़ी अलग है। बाकी सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक आपको इसमें लिक्विड कूल्ड इंजन मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपको बड़ा सा रेडिएटर भी देखने को मिलेगा, आप देख सकते हो कि यहाँ पे आगे रेडिएटर है और रेडिएटर ग्रिल भी आ गई है, तो आपको आफ्टर मार्केट से वो लगवाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एग्जॉस्ट सिस्टम, तो यहाँ पे कैटालिक कन्वर्टर के साथ, तो ये जो एग्जॉस्ट है वो आपको ड्यूल एग्जॉस्ट में मिलने वाला है। यहाँ से तो सिंगल पाइप ही निकलने वाला है, लेकिन यहाँ पे जाके मल्टीपल हो जाएगा, तो यहाँ पर ये ऐसा एक एग्जॉस्ट रहेगा। तो एग्जॉस्ट का डिज़ाइन लुक देखिए आप, तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक बार बैक लुक में आपको दिखाता हूँ, आप देखिए कि ड्यूल एग्जॉस्ट आपको इसमें मिलने वाला है, तो इसका आवाज़ भी कुछ और ही होने वाला है, बहुत ही मज़ा आएगा। अपने एक बार इसका भी टेस्ट राइड लेता हूँ और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा रहता है। तो यहाँ पर बैटरी कंपार्टमेंट के ऊपर आपको स्क्रैम्बलर लिखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पर जो क्वालिटी है, जो प्लास्टिक का क्वालिटी है, वो भी काफ़ी अच्छी है, और जो यहाँ पर स्क्रू वगैरह जो आपको देखने को मिल रहा है उसका भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो सभी जगहों पे एलन की स्क्रू का यूज़ हुआ है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात मुझे लग रही है। और यहाँ पे मैं पीछे की टायर्स की बात करूँ तो आपको 17 इंच का टायर मिलने वाला है, पीछे का टायर जो हमारे एडवेंचर कैटेगरी वाली बाइक्स में होता है वही 17 इंच का टायर मिलने वाला है, और 140 mm वाइड है, तो वाइड कुछ ज़्यादा ही वाइड है, तो आपको काफ़ी अच्छा रहेगा ऑफ रोडिंग करने के लिए, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है ये बाइक में। तो अगर मैं ब्रेक्स की बात करूँ तो आपको इसमें भी पीछे भी डिस्क ब्रेक मिलेगा और साथ में ABS के ऑप्शन के साथ मिलने वाला है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे चलते हुए तो यहाँ पर आपको देखिए जो डिस्क ब्रेक का जो ब्रेक पैड आता है उसके ऊपर ये प्रोटेक्शन दिया हुआ है, तो आपको आफ्टर मार्केट से वो भी नहीं लगवाना पड़ेगा, और साथ में आप प्रोटेक्शन होने की वजह से जो धूल मिट्टी जाती है हमारी डिस्क ब्रेक के पैड के अंदर वो नहीं जाएगी, तो ये काफ़ी अच्छा सेफ्टी फीचर्स जैसा आपको मिल जाएगा। तो पीछे का मडगार्ड इसमें कुछ अलग सा ही है, आप देखिए यहाँ पे सीट यहाँ तक ही है और पीछे का मडगार्ड आप हाफ मिलने वाला है। यहाँ पर नीचे नंबर प्लेट का ऑप्शन मिलने वाला है, तो आप देखिए यहाँ पर ऊपर आपको साइड लाइट टर्न इंडिकेशन मिलने वाला है, और जो स्टॉप लैंप है वो यहाँ पे मिलने वाला है। तो पीछे का लुक कुछ अलग ही लग रहा है, कुछ डिफरेंट लुक आपको यहाँ पे पीछे देखने को मिल रहा है। तो सीट है आप देखिए, दो लोगों के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी सीट, और सीट का हाइट मुझे इसमें थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा पाँव पहुँचने में दिक्कत हो रहा है ये बाइक में। बाकी जो एडवेंचर वाली थी उसमें तो कम्प्लीटली मैं बैठ सकता था, इसमें मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और जो नया ही लुक आ रहा है ये बाइक का, तो ये भी मार्केट में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है ये बाइक को भी। तो इस तरफ के इंजन आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, पूरा ब्लैक प्रिंटेड इंजन आपको सभी बाइक्स में देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर हॉर्न आपको ऐसे साइड में देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे हमारा आगे का फुट पैक, साइड स्टैंड हमारा, तो जो फुट पैक है उसमें आप देखिए काफ़ी मोटा मोटा ग्रिप देखने को मिल रहा है, तो आपका पाँव ज़रा सा भी फिसलने वाला नहीं है। और यहाँ पर पीछे का फुट पैक, तो ये भी काफ़ी बढ़िया सा है, और जो स्विंग आर्म है उसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, जो चेन वगैरह उसका भी क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर जो भी यूज़ हुआ है उसका क्वालिटी में ज़रा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ मुझे नहीं देखने को मिल रहा है। तो पेंट वगैरह भी काफ़ी अच्छा है, जो प्लास्टिक वगैरह है उसका भी क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। तो अभी इसका भी अपने टेस्ट राइड लेते हैं, फिर देखते हैं कैसा रहता है। तो एक बार मैं इसका आपको एग्जॉस्ट साउंड सुना देता हूँ, बहुत ही बढ़िया है इसका भी एग्जॉस्ट साउंड। तो आपको क्लच प्रेस करना ही पड़ेगा, भले ही आपका बाइक न्यूट्रल कंडीशन में हो, तो इसलिए क्लच दबा के थोड़ा आपको देखने में दिक्कत होगा, लेकिन थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। बाप रे, और जो मैंने बताया था कि आपको यहाँ पे आगे जो विंडशील्ड छोटा सा मिल रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आ रहा है, वो आपको एक्स्ट्रा में लगवाना पड़ेगा, और जो मीटर है वो कुछ इस तरह से है। तो फटाफट से इसका अभी टेस्ट राइड लेते हैं। तो जो अंदर वाली बाइक थी उसमें मिरर नहीं थे, तो इसमें आपको ऐसे राउंड शेप के मिरर मिलने वाले, तो ये मुझे थोड़ा ऑड लग रहा है कि बाइक के हिसाब से थोड़े छोटे है, तो देखने में इसमें ज़रूर दिक्कत होने वाली है जो मिरर है ना उसमें। तो चलिए अभी फटाफट से इसका भी टेस्ट राइड लेते हैं और इसका परफॉर्मेंस भी चेक करते हैं अपने कैसा है। परफॉर्मेंस तो सेम ही रहेगा, जो एडवेंचर वाली कैटेगरी की बाइक आपने चलाई होगी उसी तरह का रहेगा, क्योंकि इंजन सब में सेम है आपको मिलने वाला इसके लिए, क्योंकि इसका क्लच वगैरह काफ़ी ईजी है, काफ़ी फटाफट से बाइक चल रही है।
इसका जो क्वालिटी है ना बाइक में वो काफ़ी अच्छा है, जो रॉयल एनफील्ड में थोड़ा मुझे मिस लग रहा है अभी। रॉयल एनफील्ड की जो ये नए बाइक्स आए उसमें जो टॉर्क फील ही नहीं होता है, लेकिन इसमें जो 334 सीसी वाली बाइक है, लेकिन इसमें टॉर्क है ना भाई, भर भर के दिया है कंपनी ने टॉर्क इसमें। भाई साहब जबरदस्त बाइक चल रही है ये, और इसका जो सिटिंग पोस्चर है ना वो एकदम अलग सही है, ऐसा लग रहा है आप ऐसा कोई बड़ी बड़ी बाइक पे बैठे हो। और जो इसका हैंडल बार है ना वो काफ़ी वाइड है, और जो टैंक है उसका डिज़ाइन, मतलब कि इसका डिज़ाइन है ना वो रेट्रो बाइक जैसा है ऐसा मुझे लग रहा है, काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ पर आपको ये जो बीच वाला पार्ट है जो अपने आफ्टर मार्केट से लगवाते हैं, जो वाइब्रेशन फील ना हो हैंडल बार पे, वो पहले से ही दे दिया है, तो मज़ा आ गया। बहुत ही शानदार बाइक है इसका। अभी देखते हैं इसका जो सर्विस कॉस्ट किस तरह का है, इसका मतलब कि पार्ट्स जल्दी से अवेलेबल हो जाते हैं कि नहीं है, उस पर पूरा डिपेंड रहेगा। बाकी ये मार्केट में ज़रूर रॉयल एनफील्ड को मतलब कि टक्कर तो ज़रूर देगा ये। तो कैसा लगा आज का हमारे, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो अगर आपको SD की और जावा की कोई भी बाइक लेनी हो तो आप कैप्टन मोटो मणिनगर अहमदाबाद में हो, यहाँ पे आ सकते हो। तो यहाँ पे फाइनेंस स्कीम भी अवेलेबल है, सर्विस स्टेशन भी अवेलेबल है, तो वन स्टेप सॉल्यूशन है। तो अगर आपको SD की बाइक लेनी है तो ज़रूर चेकआउट कीजिए कैप्टन मोटो। तो चलिए मिलते रहेंगे इसी तरह के नए वीडियो में, तब तक लेकर आ रहा हूँ।